आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया गया है, एक विक्रेता वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 33.3% अधिक अंकित करता है, तो वस्तु का मूल्य में पुनः 10% की वृद्धि करता है, तो उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि 33.3% है, तो 33.3% का मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। 1/3 का मतलब अगर उसका मूल्य कितना रहा होगा, 3 रहा होगा मूल्य। अगर मूल्य 3 रहा होगा तो अंकित इसने कितना किया है, तो अंकित मूल्य हम लिख सकते हैं, अंकित मूल्य रहा होगा इसका 1 बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, अंकित मूल्य 4। तो 3 से 4 कहें या 30 से 40 कहें या 300 से 400 कहें, तो अनुपात तो उतना ही रहता है। तो अब हम देखते हैं दोनों का अनुपात कितना है, 3:4 का है। अब ये क्या करता है, ये विक्रेता मूल्य में पुनः 10% की वृद्धि कर देता है, और मूल्य में 10% की वृद्धि कर देता है तो उसका प्रतिशत लाभ हमें बताना है। देखिए, यहाँ पर इसमें 10% की अगर और वृद्धि कर देता है तो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये 40 की इसमें वृद्धि कर देता है, तो कितने में बेचता है, ये इसको 440 में बेचता है। वस्तु कितने की है, 300 की है, और बेचता कितने में, 440 में है। तो वृद्धि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लाभ ही हुआ है। अगर लाभ देखते हैं तो लाभ बराबर हमारे पास आ जाएगा, 440 में से हम घटा सकते हैं 300 को, तो बराबर 140 की हमारे पास वृद्धि हो जाएगी। ये वृद्धि अगर आप देखते हैं 140 की, ये हुई किससे है, 300 से हुई है, और प्रतिशत के लिए गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, और 3 चौका 12 होता है, 2 और 0 3 छंग 18 होता है, तो 40 से ही 2/3% की इसमें क्या हो जाएगी, इसको लाभ हो जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर रहा है, 40 से ही 2/3% का इसको लाभ होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।